से कोई गाड़ी काम छोड़कर निकल जाएगी, हमारी गाड़ी वहाँ कटाई करके आएगी। ना मशीन चोक हो, कभी कटर चोक नहीं होगा हमारी गाड़ी का, कभी फीडर चोक नहीं होगा और कभी थ्रेशर चोक। गाड़ी को क्लीन मत करना, फिर भी इससे ऊपर टेम्परेचर नहीं जाएगा, दिन रात गाड़ी चलाना। कभी चोक नहीं होगा, हमने इनको ढक्कन इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि इसने इसका ये सोल्यूशन किया हुआ है। और तो दूसरी वीडियो में मिलेगा सर उनका। पटियाला तो दुपिंदर सिंह जी, जी डिस्ट्रिक्ट पटियाला मेरा। नमस्कार, कार ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पहुंचे हुए हैं विशाल एग्रीकल्चर वर्कर्स में। तो काफ़ी किसानों के सवाल आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि विशाल कंबाइन पर वीडियो बनाओ, विशाल 408 पर। तो आज विशाल 408 की वीडियो बनाएंगे। तो किसान साथ में ये भी कमेंट करते हैं, विशाल 408 मिनी पर वीडियो बनाओ, पर 408 है ये मिनी कंबाइन नहीं है, इसका मॉडल 408, बाकी ये बड़ी मशीन है। इसका 14 फीट का कटर आता है, साथ ही 51 इंची मशीन है ये, और बड़ा इंजन 101 HP इसमें इंजन आता है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे, जैसे एक्स्ट्रा वाकर कितने हैं पूरी मॉडल, तो इसकी जानकारी सर से लेंगे। तो हमारे साथ हैं निर्मल सर, जो कि इसके बारे में जानकारी देंगे, निर्मल सर MD। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन अपने किसान भाइयों को दे दीजिए। हम विशाल एग्रीकल्चर वर्कस में विशाल 408 कंबाइन बनाते हैं जी सर, और ये फुल साइज कंबाइन है जी सर। कई लोग ये बोल देते हैं कि विशाल 408 छोटा मॉडल है जी जी, विशाल 408 बड़ा मॉडल है। 51 इंची गाड़ी है, 5 स्टावाकर में है और 14 फिट कटर में है जी सर। कब से मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर तकरीबन गाड़ी हुई है कोई 83 से बनानी शुरू की है हमने, पहले आप चलाई बनाकर जी जी, और फिर डिमांड निकल गई कि हमने फिर सेल करनी शुरू कर दी गाड़ी बनाकर जी। तो ये 2001 में पास हो गई थी, इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट हमारे पास 2001 में टेस्टिंग रिपोर्ट मिल गई थी हमारे को इसकी जी जी। पहले ये विशाल 408 ही बननी शुरू हुई थी जी जी, उसके बाद अपने अलग मॉडल आए थे। हाँ, और हमारे को समस्या ये आ जाती है कि कस्टमर आकर हमारे को बोलता है कि सी बॉक्स लंबी कर दो जी, सी बॉक्स की हाइट बढ़ा दो, सी बॉक्स के बारे में पूछता है हर आदमी जी जी, जबकि चलो हमारे लंबाई तो ज़्यादा है ही है। हाँ हाँ, पर सी बॉक्स की लंबाई का कोई मतलब नहीं। अच्छा, अगर कटर फीडर हाँ आगे फूस का थब्बा बनाता है जी और जी, उल्टा फ्रंट उगर उसको घुमाना शुरू कर देता है जी जी, तो जितनी मर्जी सी बॉक्स लंबी कर लो, दाना पीछे जाने से नहीं रोक सकते जी सर। मेन काम हमने कटर में सुधार किया है कि कटर और फीडर उसे का थब्बा ना बनाए, और जब उसे का रेगुलर माल चलता रहेगा तो ना तो पीछे दाना आए जी जी, ना दाना टूटे जी, ना मशीन चोक हो, कभी कटर चोक नहीं होगा हमारी गाड़ी का, कभी फीडर चोक नहीं होगा और कभी थ्रेशर चोक नहीं होगा। इसमें किस प्रकार से तकनीक दी है सर आपने? वो देखो जो टेक्निकल बातें हैं वो तो थोड़ा किसानों को रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, पर वो बताने की बातें नहीं क्योंकि फिर सभी के पास चली जाती है तो सब आदमी वही कर लेंगे। किसानों को पूरा रिजल्ट मिलेगा इसका? हाँ, वो हमारे पास आए किसान, हम टेक्निकल बताएंगे जी सर। तो कई बार क्या होता है, सोयाबीन में सभी के एलिवेटर चोक होते हैं हाँ हाँ गाड़ियों के, तो कस्टमर हमारे को आकर बोल देता है कि एलिवेटर को ढक्कन लगा दो जी जी, पर ये नहीं बोलता करके इसकी बीमारी खत्म कर दो कि ये चोक होना बंद कर दे जी जी। पर हमने वो काम किया हुआ है, हमने ढक्कन नहीं लगाया जी, पर हमारा बंद है एलिवेटर, पर हेड की शाफ्टें ऊपर को निकलती हैं, ओपन होती हैं, एलिवेटर उतारने की जरूरत नहीं कभी भी। अच्छा, पर चोक नहीं कभी भी होगा, चाहे सोयाबीन में चलाओ, चाहे मूंग में चलाओ, चाहे धान में चलाओ, चाहे गेहूं का जो भी फसल है, सभी को गीली फसल जितनी मर्जी गीली फसल हो कभी चोक नहीं हुआ कुछ भी नहीं, ना थ्रेशर, ना एलिवेटर, ना फीडर, ना कटर। तो उसके बाद सर जैसे अपने कितने गियर में आती है मशीन? ये 5 गियर में है जी, और गियर बॉक्स की बॉडी बड़ी है हमारी। अच्छा, पर सैनिक का गियर डालते हैं जी। और अपने उसके बाद आगे जैसे हिस्सा और मशीन की कैसी क्या क्वालिटी देते हैं? एक और चीज बताने वाली है कि हमारे जो टायर हैं जी जी, कंबाइन के आगे वाले और पीछे वाले दोनों एक लाइन में चलते हैं, वो लाइन काट कर नहीं चलते, और जितने गीले में हमारी गाड़ी सिंपल गाड़ी चल जाएगी हाँ हाँ, के उतने में चलना किसी को आसान नहीं है, क्योंकि जब गाड़ी लाइन टायर काट कर चलती है हाँ हाँ, डबल जोर आता है, डबल जोर, क्योंकि आगे वाले बाहर चलते हैं, पीछे वाले उसके अंडर लाइन में चलते हैं, तो गाड़ी गीले में धस जाती है हाँ हाँ। पर हमारी गाड़ी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी, धसेगी नहीं क्योंकि एक लाइन में चलते हैं। तो इसमें 4x4 भी अवेलेबल रहेगा सर? हाँ, 4x4 लगवाना है तो हम वो भी लगा कर दे देते हैं, वो 3.25 लाख का खर्चा है उसका, क्योंकि 4x4 जो हम लगाते हैं स्टालियन का हिस्सा है उसमें और 12x24 टायर हैं। अच्छा, और उसकी सिंपल हिस्से जितनी कटाई है और
जहाँ से कोई गाड़ी काम छोड़कर निकल जाएगी हमारी गाड़ी वहाँ कटाई करके आएगी, वहाँ पर कटाई करके आएगी जी सर। और काफ़ी किसान जैसे SMS की भी रखते हैं, तो अपना देखो SMS अगर किसी को ज़रूरत है वो ओपन वाला है वो 1,20,000 का लगता है। अच्छा। वो ओपन हो जाता है, फोल्डिंग अगर लगा फोल्डिंग है लगाना है तो लगा लो, ओपन करना है तो ओपन कर लो, साथ में रहेगा वो। जी, जी, जी। और हमारा जो भरमबाड़ी बलूर है वो 3 mm की सीट है दोनों साइडों में। दिखाते हुए चलते हैं सर पीछे। आ जाइए आज नाले रहो तो। हाँ सर आप बताइए किस जगह पर। जैसे ये भरमबाड़ी हाँ जी बलूर है, बलूर हाफ ओपन होता है। अच्छा। कई बार नीचे को पत्थर आ गया ब्लोर के साथ टच हो गया तो ब्लोर को कंप्लीट बाहर निकाल के रिपेयर कर सकते हो। ये बात नहीं कि ओपन नहीं होता, सी बॉक्स निकालोगे पहले फिर सिंगल सिंगल पंखा खोलोगे, खोलकर फिर पीछे को निकालोगे तब रिपेयर होगा, ऐसा कुछ नहीं। कंप्लीट बाहर निकाल के रिपेयर करके 1 घंटे में इसको डाल सकते हो। जी जी जी। फोल्डिंग वाला दे रखा है, फोल्डिंग वाला है। और हमारी केम पत्ती में कोई ज्वाइंट नहीं है। जी जी। ये 8 mm की सिंगल पत्ती है, कभी बेड शाफ्ट नहीं टूटेगी आपकी। अच्छा। बेड शाफ्ट काफी में प्रॉब्लम आती है। हाँ, बेड शाफ्ट टूटने की दिक्कत आती है, वो कभी नहीं आएगी। ना बेड शाफ्ट टूटेगी, ना काउंटर शाफ्ट कभी भी टूटेगी, और ना ही केम शाफ्ट टूटेगी। क्योंकि मशीन की असेंबली में ये कुछ एक्स्ट्रा किया हुआ है कि वो भरकर ना चले। अच्छा। रेगुलर पतला माल घूमता रहे, हमारे बेड से मटेरियल इतनी स्पीड में पीछे जाएगा कि जल्दी बेड खाली होता रहेगा, रेगुलर पतला माल पीछे को जाएगा, क्योंकि जब बेड भरकर चलता है तब दाना पीछे आना शुरू हो जाता है। ये जैसे स्पोर्ट किस चीज़ की है सर? ये यहाँ पर ये जो है फ्रेम लगा हुआ है कि सीजन के बाद दोनों साइड घोड़ी निकलती है कि मशीन को उठा के टायरों के ऊपर वजन ना आए, पूरी खड़ी करके इसको रख सकते हैं। तो बैक लाइट पे पूरा कवर मिल गया और इसमें सभी तकरीबन लाइटों पे मशीन की के कवर लगा हुआ है। ऊपर वाला ये टूल भी काफी बड़ा दे रखा है सर। हाँ, कोई ना कोई गुटके रख सकता है, कोई पानी की कैन रख सकता है। जी जी, पूरी बड़ी स्पेस है। और हमारी गाड़ी में जी जी हमने सी अपना स्टॉप वॉकर में सभी में गैप कम कर दिया कि ऊपर से, क्योंकि गेहूं और सोयाबीन और सरसों में ऊपर से कचरा नीचे ना सी बॉक्स के पास ज़्यादा आए। जी जी जी। सफाई जल्दी होती है। हाँ, सफाई जल्दी होगी, सी बॉक्स के पास माल मटेरियल उबर नहीं होगा तो दाना पीछे ना सी बॉक्स से आए ना स्टॉप वॉकर से आए। हाँ जी हाँ जी। सभी स्टॉप वॉकरों को गुटकों के नीचे स्प्रिंग दे दिया कि एक्सीडेंट ना कभी हो। अच्छा। क्योंकि गुटका हमेशा लकड़ का होता है। हाँ। अगर इसको तेल ग्रीस नहीं आता जी जी। तो क्या होता है कि ये लकड़ इकट्ठी हो जाती है तो बोल्ट लूज होकर एक्सीडेंट हो जाता है। जी जी। कभी ये नुकसान ना हो इसीलिए हमने सभी गुटकों में स्प्रिंग डाल दिए कि एक्सीडेंट ना हो कभी भी। रिकटिंग किस चीज़ की है सर अपने? ये भी कुछ एक्स्ट्रा काम के लिए है कि जो कई चीजें वीडियो में ओपन नहीं कर सकते। रिजल्ट पूरा देंगे। हाँ, रिजल्ट टॉप का देंगे। तो मेन होता है सर कटर, जो कटर अच्छी कटाई करेगा तो तभी मशीन की अच्छी कटाई दिखेगी। तो ये कैसा क्या कार्य करता है? देखो पता क्या है, कटर में लोग क्या मांगते हैं, क्योंकि लोग डरे हुए रहते हैं कि हैबल सिस्टम पत्तियां टूटती हैं हैबल सिस्टम की और फिंगर खराब होती है। जी जी। पर ऐसा कुछ नहीं, इसका सोल्यूशन पक्का किया हुआ है कि कभी भी पत्ती नहीं टूटेगी और ब्लेड फिंगर खराब नहीं होगा। अच्छा सर। क्योंकि इसमें मोटर का ही अटैचमेंट कुछ दे रखा है, उतनी ही मूवमेंट करता है ब्लेड, कभी कोई नुकसान नहीं करेगा। जी जी जी। तो अपने पीछे बैक लाइट भी आ जाते हैं, इनमें भी लाइट है जैसे रोड पर लेके जाते हैं। तो ये चीज देखी सर पीछे से, तो ये किस चीज की है? जैसे अपने हाइड्रोलिक पंप तो यहाँ पर हो गया और ये मैकेनिकल सिस्टम लगाया हुआ है हमने रील को लॉक करने के लिए। अच्छा। जब रील उठाएंगे हाँ तो पहले ये लॉक ओपन होगा। अच्छा। फिर रील उठेगी। अच्छा। वैसे फील्ड में चलते हुए रील अप डाउन नहीं होगी। अच्छा। इसमें जैसे खड़का नहीं, साउंड नहीं आएगा। हाँ, कई बार कुछ हो चलके पड़ती है बस। और दूसरी बात, सभी लोग बोल देते हैं कि मोटर चाहिए। हाँ हाँ, मोटर। पर हमने इसमें हैबल में ही सुधार किया हुआ है कि कभी भी पत्ती नहीं टूटेगी, फिंगर खराब नहीं होगी और कभी भी वायरिंग खराब नहीं हैबल के होंगे। तो इनकी भी एडजस्टिंग कर सकते हैं अपनी पूरी? हर जगह पे एडजस्टमेंट है और इनकी
डिग्री भी इनके हिसाब से सेटिंग की हुई है, अलग अलग डिग्री नहीं, एक लाइन में चलेगा, एक लाइन में चलेगा, क्योंकि बात नुकसान करने वाली छोटी सी बीमारी होती है पर नुकसान बड़ा कर देती है, टाइम ज्यादा खराब कर देती है वो। और हमारे कटर के अंदर कभी भी धान हो, सोयाबीन हो, कनक हो, कोई भी फसल है जो काटने वाली है, उसका थब्बा नहीं बनेगा, इकट्ठा नहीं होगा, मतलब इकट्ठा नहीं होगा, जल्दी आगे हमारे बेच देगा। हाँ, हाँ, और दूसरे फ्रंट उगर हमारा उल्टा माल घुमाएगा नहीं। अच्छा, जो जितना माल ले लिया वो सीधा फीडर और थ्रेशर के पास चला जाएगा जी। उसके बाद सर जैसे कटर पर बात आ गई, तो कटर में आगे देखते हैं धूलगर्दा काफी उड़ जाता है मशीन पर, तो आगे वो इसके ऊपर भी पंखा देते हैं मशीन के? और पता क्या है, पंखे की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, जब माल प्रॉपर ढंग से जा रहा है, रेगुलर जा रहा है, ब्रेक नहीं लगा रहा है, और फ्रंट उगर नहीं घुमा रहा जी जी, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तकरीबन गाड़ियों के आगे डस्ट बहुत ज्यादा होती है, चलाने वाले को बड़ी परेशानी होती है। हमारी गाड़ी के आगे गेहूं में कभी भी डस्ट नहीं होगी, देखो कुछ परसेंट होगी, पर ये नहीं कि चलाने वाले को दिक्कत होगी। हम जो ब्लोअर लगाते हैं प्लेटफार्म के नीचे लगाते हैं, इसके ऊपर कटर के ऊपर लगाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी जी जी। ड्राइवर की भी लाइफ काफी कम हो जाती है जी, ऐसा ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि वो चलाने वाले को कोई परेशानी हो जी जी। आराम से चलाएगा, कोई डस्ट नहीं होगी, डस्ट नहीं उठेगा। तो एलिवेटर भी अपने चोक नहीं होंगे? आपने कभी चोक नहीं होंगे, हमने इनको ढक्कन इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि इनका सोल्यूशन किया हुआ है। अच्छा, पूरा जुगाड़ नहीं किया, सोल्यूशन पक्का किया हुआ है कि सोयाबीन में कभी भी चोक ना हो। तो किसानों की जो रिक्वायरमेंट आती है उसके हिसाब से आप। तो ये पूरी असेंबली आ गई इसकी? ये असेंबली आ गई, हमारी असेंबली वाली छाबड़ भी कभी टूटेगी नहीं, उसका अच्छा। पक्का सॉल्यूशन किया हुआ है। अच्छा, इसका क्या कर दिया सर, टूटेगी नहीं? उसके नीचे जो कुछ कई बातें ऐसी अच्छा, होती हैं कि ओपन नहीं कर सकते। अच्छा, अच्छा। एलिवेटर का जो है, एलिवेटर का नीचे वाला हेड हमारा 3 mm का है, और ऊपर वाला जो हेड है वो 4 mm का है, और छाबड़ ऊपर को ओपन होती है। अच्छा, 2 bolt को 4 bolt को ओपन करो, छाबड़ पूरी कंप्लीट बाहर निकाल के रिपेयर करके डाल सकते हैं हम। अच्छा, पूरा एलिवेटर उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, ठीक है। तो आगे फीडर आ गया जैसे? हाँ, जैसे फीडर हमारा है कि फीडर के आगे वाला भी गियर बड़ा है और पीछे वाला भी साइज में बड़ा है। अच्छा, क्योंकि थोड़ी ब्रेक मटेरियल की जो आगे से माल आता है इसमें भी लगती है, वो नहीं लगेगी, इसीलिए इसका ये सॉल्यूशन किया हुआ है। और सेंटर से भी छाबट अप डाउन होती है, चैन लूज करनी है, टाइट करनी है, वो कर सकते हैं इसको। जी जी जी, और हमारी कंबाइन का बेड भी आगे को बढ़ाया हुआ है। कभी यार क्या होता है कि फीडर का पटा के नीचे डस्ट आ जाती है, तो डस्ट की वजह से वो आगे अप डाउन हो जाता है, तो वहाँ से दाना नीचे गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए दाना नीचे ना गिरे, बेड में ही जाए जी। तो जी, जो दाना आगे गिरता है वो पीछे शो होता है कि गाड़ी दाना गिरा रही है, गिरा रही है जी। ऐसा कोई नुकसान कभी भी नहीं होगा जी जी। तो पूरी पे इंडिकेटर भी शानदार टाइप से दे दिए सर? हाँ हाँ जी, ये एक्स्ट्रा दिए हैं हमने जी जी, तो और अच्छे लगते हैं गाड़ी में ये जी जी। देखो कोशिश, वैसे तो गाड़ी की टेक्निकली चीजें साउंड होनी चाहिए, वो जरूरी है, लाइटें अच्छी लगाकर और लगाकर उसका उतना बेनिफिट नहीं होता जी जी। इतना गाड़ी ने काम तो वो गाड़ी ने करना है जी जी जी। चलो थोड़ा बहुत तो आउटलुक अच्छी करने के लिए कोशिश करते हैं, अच्छी खेत में भी चलती हुई काफी अच्छी लगे, किसान को भी अच्छी लगे। कितने गियर में है सर अपनी मशीन? ये 5 gear में है जी जी, और डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक और डबल पेडल ब्रेक है हमारा जी, और गियर बॉक्स की बॉडी का साइज बड़ा है, और सैनिक का गियर डालते हैं, कोई गियर में साउंड नहीं है, साउंड नहीं आती, कई बार रोड पर जाती है तो बिल्कुल साउंड नहीं आएगी। अच्छा, साउंड देखो जो नॉर्मल है वो तो उतनी तो थोड़ी बहुत आएगी, पर ये नहीं कि ज़्यादा इतना साउंड करके चले आदमी को पता चल जाए कि कंबाइन आ रही है। तो इसके ऊपर गारंटी वारंटी है सर अपनी, वो क्या रहती है? देखो गारंटी वारंटी एक सीजन की होती है कंबाइन की हमारी, और इंजन की कंपनी लेलैंड की होती है जी। वैसे अगर आदमी ढंग से हमारी बात समझकर चलाए तो गारंटी हम 1-2 साल की भी दे सकते हैं, वो भी हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या होता है सर, काफी बार अभी मशीन चला ली, शुरू वाले साल चला ली किसान ने,
चार पाँच साल के बाद कोई अलग फसल में चलाता है, उस पर सेट नहीं हो पाती किसान से मशीन, तो वो हमारा काम है उसकी सेटिंग करके हम तो बाद में जुड़े हुए सर आप उनके साथ। बिल्कुल जुड़े हुए हैं और 24 घंटे फोन ऑन रहता है। जी जी, अगर आधी रात को भी कोई आदमी फोन करेगा तो ये नहीं कि मुझे सो रहा था आपने मुझे उठा दिया, ऐसी कोई बात नहीं, फोन उठेगा, अटेंड होगा, सहायता के लिए तैयार रहेंगे। तो अपनी मशीन पर सर जैसे लोन की सभी की फैसिलिटी रहेगी? तकरीबन सभी बैंकों से लोन होता है, और वैसे तो गाड़ी हमारी अभी फिर दोबारा टेस्टिंग हो रही है, उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है, और किसी ने हमारी गाड़ी के बारे जानकारी गवर्नमेंट से लेनी है तो जाकर TTC सेंटर से पूछ लें कि इसकी रिपोर्ट क्या है, वो खुद बताएं। अप्रूव्ड है मशीन, अप्रूव्ड है, और फील्ड में कैसे चल रही थी, क्या इसकी रिपोर्ट है, वो भी बता सकते हैं। तो काफ़ी मशीनों में देखते हैं सर, कुछ अलग से पिक्चर भी देते हैं जिसमें ऑटो क्लीनर रेडिएटर फैन भी आता है, तो अपनी मशीन में सिंपल अभी भी सिंपल से रहा है, तो इसका क्या कारण है जी? देखो ऑटो क्लीनर ठीक है सभी लगाते हैं, हाँ हाँ, पर हम जो सिंपल जाली देते हैं ऑटो क्लीनर में फिर भी क्या होता है कि टेम्परेचर 115-120 पे चला जाता है, चलता है, हमारा सिंपल सिस्टम लगाया हुआ है, हमने भी कुछ एक्स्ट्रा किया हुआ है इसलिए ये सिंपल जाली रखी हुई है। जी जी, पर हमारा टेम्परेचर 85 पे जाकर बाल ओपन होता है। अच्छा, तो उससे ऊपर कभी टेम्परेचर नहीं जाएगा, पूरा सीजन चाहे जाली को क्लीन मत करना फिर भी इससे ऊपर टेम्परेचर नहीं जाएगा, दिन रात गाड़ी चलाना 85 से 90 के ऊपर कभी भी नहीं जाएगा जी जी, तो और रेडिएटर चोक नहीं होगा जी, टेम्परेचर का कोई इशू नहीं, इसमें कोई इशू नहीं जी जी जी, हम लिख कर भी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा सर, क्योंकि गर्मी में उन मशीनों में देखते हैं हम काफी, मैंने कहा हम लेकर का भी कोई वो नहीं होता, मैंने कहा इसकी क्लीनिंग मत करना। अच्छा, हम तो बोलते हैं गाड़ी को ग्रीस भी मत करो, नट बोल्ट एक बार सुबह सुबह आधा घंटा चेक कर लो, टाइट कर लो, गाड़ी को जितना मर्जी स्पीड में चलाओ, क्योंकि गाड़ी को गियर बॉक्स में हमने 13-inch पुली दे रखी है। अच्छा सर, दूसरे के हाई में चलाओ, अगर कभी प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन करके देंगे, जुगाड़ नहीं करेंगे। जी जी जी, तो उसके ऊपर पूरा आप स्टडी करके, पूरा पूरी स्टडी करके फील्ड में उसको ओके करके देंगे। जी जी जी, और ओके किया हुआ है इसीलिए बोल रहे हैं जी सर। किसानों का कैसा फीडबैक आ रहा है सर अपनी? देखो बहुत टॉप का आ रहा है, पहले तो किसानों को ये पता ही नहीं चलता कि विशाल 408 कौन सी है, वो सिर्फ स्टिकरों में बोल देते हैं विशाल स्टिकरों वाली जी जी, पर अब धीरे धीरे लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि विशाल 408। किसान भाई आए हुए हैं जैसे मशीन के लिए, ये MP से सभी आए हुए हैं हमारे पास जी जी, अभी पहुंचे हैं आपको, आपके सामने अभी पहुंचे हैं, गाड़ी के लिए डिस्कस कर रहे थे जी जी, तो इनसे बात करते हैं। तो अपने किसान भाइयों को भी बीच में समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अब इनसे भी कोई ना कोई पूछ सकते हैं क्योंकि MP में भी गाड़ियां चल रही हैं, वो भी देख कर आए हमारी 400 को चलते हुए देख कर, ओके सर, इसीलिए हमारे पास पहुंचे हैं, थैंक यू सर। अब उनसे भी बात करके देख लीजिए, जरूर करेंगे, ये मिलेगा दूसरी वीडियो में, ये वीडियो लंबी हो गई तो दूसरी वीडियो में मिलेगा सर उनका, थैंक यू सर, ओके ओके।